स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रिटेन लिस्ट के बाद से ही काफी चर्चाओं में बने हुए थे। दिल्ली की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था। ऐसे में ऋषभ पंत मेगा ऑक्शन का हिस्सा बने और छा गए। उन्हें 27 करोड़ की बड़ी रकम देकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खुद से जोड़ा है। इतनी बड़ी रकम के साथ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी अब बन चुके हैं। ऋषभ पंत को लेकर उम्मीद के मुताबिक ऑक्शन में जबरदस्त बिड देखने को मिली। लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हें खरीदने को लेकर शुरू से आखिर तक लगी रही और अंत में उसने सफलता भी हासिल कर ली। पंत के लिए बोली में लखनऊ को जिन टीमों से टक्कर मिली उनमें सनराइजर्स हैदराबाद सबसे आगे रही। उसके अलावा केकेआर भी रेस में आई। दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम भी किया मगर एलएसजी के इरादे पंत को खरीदने को लेकर अटल थे। उसने 27 करोड़ की बोली लगाई और ऋषभ पंत के लिए दिल्ली रेस से हट गई। पंत पिछले 9 सालों से दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे लेकिन आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली ने उन्हें रिटेन नहीं किया। पंत के ऑक्शन में आने के बाद अटकलें लगी कि चेन्नई सुपर किंग्स उनके लिए जा सकती है लेकिन ये देखकर हैरानी हुई कि पंत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने बोली तक नहीं लगाई। पंत ने साल 2016 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल का डेब्यू किया था। इसके बाद 2021 में पंत विराट कोहली स्टीव स्मिथ सुरेश रैना और श्रेयस अय्यर के बाद आईपीएल के इतिहास के 5वें सबसे कम उम्र के कप्तान बने। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि ऋषभ पंत पंजाब किंग्स भी जा सकते हैं क्योंकि पंजाब को एक कप्तान की तलाश है और उनके पर्स में पैसे भी काफी सारे थे लेकिन पंजाब ने श्रेयस अय्यर को लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद सभी नजरें ऋषभ पंत पर थी। पंत ने सभी कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए और इस वक्त वो अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। इस बीच अब पूरी संभावना है कि एलएसजी के नए कप्तान ऋषभ पंत ही होंगे। ज्यादा शक नहीं है इस बात में। हाँ, अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है लेकिन जल्द हो जाएगा। उन्होंने आईपीएल में भी अभी तक 111 मैच खेले हैं और 35.31 की औसत से और 148 के स्ट्राइक रेट के साथ 3,284 रन बनाए हैं। पंत आईपीएल में कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। पिछले सीजन भी उन्होंने 13 मैचों में 446 रन बनाए थे और वो अभी तक आईपीएल में 18 हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी लगा चुके हैं।